मध्य प्रदेश चुनाव से एक दिन पहले इंदौर के लोकप्रिय फूड हब 56 दुकान में यहां के लोगों ने अगली सरकार से अपनी उम्मीदें जाहिर की। जैसे कि किसान है, हमारे मध्य प्रदेश के जो किसान हैं उन लोगों के कर्ज माफ होने जाने चाहिए। और जैसे यहाँ पर टूरिज्म है, टूरिज्म के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी जगहें हैं। जैसे कि यहाँ पर रिलीजियस प्लेसेस हैं, ओमकारेश्वर है, महाकालेश्वर है, वहाँ पे इतना बुरा हाल हो रखा है। और जाने के ओमकारेश्वर जाने के लिए रोड की बहुत समस्या है वहाँ जाने के लिए। और वहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है लोगों से, हमसे, जैसे कि अभी हम कल होकर आए हैं, हमसे वहाँ जाने के लिए दर्शन के लिए हमसे पैसे लिए गए। तो ये सब चीज़ें फूड हब के दुकानदारों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए एक पहल की घोषणा की है। कि मध्य प्रदेश के वोटिंग से इंदौर शहर का वोटिंग तकरीबन 7% कम है। इसको देखते हुए कि इस इंदौर शहर को मतदान में भी नंबर वन लाना है, उसके लिए 56 दुकान द्वारा एक इनिशिएटिव ये लिया गया कि मॉर्निंग आवर्स में जब वोटिंग कम होता है, 7 से 9 के बीच में जो लोग भी मतदान करके आएंगे वो अपने मतदान का निशान दिखाते हैं, तो 56 दुकान उनके पोहे जलेबी का जिम्मा अपने ऊपर उठाता है। कुछ मतदाताओं ने कहा कि वो बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी लंबे समय से सत्ता में है। कुछ बदलाव चेंज हो सकता है कि इतने सालों से सरकार ये चेंज है, तो चेंज होगी तो कुछ बदलाव हो सकता है। कांग्रेस के हिसाब से देख रहे हैं। मैं नहीं बोलूंगा कि बीजेपी पार्टी गलत है, बीजेपी पार्टी बहुत अच्छी है, नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर कांग्रेस पार्टी में भी कुछ अच्छे नेता हैं जैसे कि संजय शुक्ला जी। बहुत से लोगों ने मौजूदा सरकार के प्रति संतुष्टि व्यक्त की। उनका मानना है कि मुद्रास्फीति जैसे मुद्दों के बावजूद राज्य में विकास के मोर्चे पर और लोगों की आय में प्रगति हुई है। देखो महंगाई तो हो रही है पर विकास भी हो रहा है, काम भी, विकास भी हो रहा है, तरक्कियां भी हो रही है। महंगाई के साथ में हर चीज की भी वृद्धि हो ही रही है, कमाई की भी वृद्धि हो ही रही है। बदलाव तो हमको अच्छा चल रहा है बीजेपी। महंगाई महंगाई है तो इनकम भी तो बढ़ी है ना। 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए शुक्रवार को एक चरण में मतदान होगा। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी।